मुनि भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, गुरुजी श्री राम आप लोगों से लोग हैं कि आप अपने स्थान पर नहीं के मुझे अपने भगवान आपके तक आकर के कुछ रुपये भगवान आपके पास आकर के आपको जो भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं आप आगे वाले खड़े नहीं होंगे माता जी खड़े ना हो बैठ जाए आप सब लोग हैं बोलिए मारन मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि आदि प्रयोगों से जो परेशान होते हैं नेगेटिविटी से जो परेशान होते हैं वो बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने को आते हैं। दरबार लगता है और ऐसी प्रत्यक्षता है पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की कि जितने भी लोग यहाँ पर ओझा तांत्रिक गुनिया आदि से ग्रसित होकर के बालाजी के दर्शन की 21 पेशी का क्रम पूर्ण करते हैं बालाजी की कृपा से उनकी सभी तंत्र विद्या हनुमान जी के चरणों में बंध जाती है। धाम और तीर्थ की महिमा है। आज के दरबार में जो भी अन्य साधक आए हैं हम बागेश्वर धाम के सभी साधकों को और आपको परिवारजनों को मंगलमय आशीर्वाद देते हैं। आपका मंगल हो, आप पर बालाजी की हनुमान जी की कृपा हो और जो भी मन में मनोभाव लेकर के बैठे हो आपका वो मनोभाव पूर्ण हो और जन्म जन्म तक आप हनुमान जी के भक्त बने रहो ऐसा हम आपको मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान की बड़ी मैत्री कृपा और आप पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर हैं। हम एक बात आज के दिन में तुम्हें बताना चाहेंगे शायद तुम्हारे काम आ जाए। हमारा उद्देश्य बहुत अलग है और आप लोगों ने विचार कुछ और रखा होगा दिमाग में पर सच तो ये है कि हम आपको आपका जलता हुआ खुद का दीपक बनाना चाहते हैं। आप बैठ जाए नहीं तो ये बच्चे पीछे कर देंगे। आप बीच में जो है एंटीना सी खड़ी हो जाती हो भाई। कोई अभी बोतल फेंक के मारेगा टमाटर मारेंगे लोग। आपको आपका खुद का दीपक बनना पड़ेगा। दूसरों के उजाले में आप कब तक जियोगे? दूसरों की शरण में आप कब तक डले रहोगे? बाबाओं के चक्कर में आप कब तक पड़े रहोगे? और इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बर्बाद किया है तो अंधविश्वास ने बर्बाद किया। इस देश में सबसे ज्यादा स्त्रियों का अगर शोषण हुआ है तो अंधविश्वास में हुआ है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर करप्शन मनी हुई है तो अंधविश्वास में हुई है। और इस देश में सबसे बड़ा कोई जहर है उसका नाम भी अंधविश्वास। इसलिए आज के दरबार में जो आए हैं तुम्हारे मन में कौतुक उठ रहा होगा कि आज की बात प्रारंभ हमने ठीक इसलिए क्योंकि हमारा उद्देश्य ठीक अलग है। हम तुम्हें ना तो पर्चा देना चाहते हैं, ना तुम्हें हम चमत्कार दिखाना चाहते हैं, ना हम तुम्हें सिद्धियां जताना चाहते ना बताना चाहते। हमारा उद्देश्य है कि तुम खुद हमारे जैसे बन जाओ। भले ही तुम दरबार ना लगा पाओ, भले ही तुम दूसरों की मन की बातें ना बता पाओ पर खुद की तो जान पाओ। भले ही तुम दूसरों के प्रश्नों का हल ना कर पाओ, भले ही तुम दूसरों को समस्या का समाधान ना दे पाओ पर इतने तो साधक बनो कि खुद की मुसीबत तो निपटा पाओ। इसके लिए तुम्हें दरबारों में तो ना भटकना पड़े, इसके लिए तुम्हें गुरुओं के पास तो ना जाना पड़े। भाई एक गुरु हो तो काम चले, तुम्हारे तो हर महीने गुरु चेंज हो रहे। गजब हो गया, ये तो हो गई है पुराने जमाने की नचनारियां। तुम हर महीने गुरु बदल रहे, हर महीने तुम उपाय बदल रहे, हर महीने तुम नियम बदल रहे, हर महीने तुम तीर्थ बदल रहे, हर महीने तुम दरबार बदल रहे। फिर कहते हो भगवान कृपा नहीं करता है। किसी गांव में एक आदमी रहता था बड़ा भोला भाला, पत्नी का गुलाम। और होते ही है लोग प्राय शादी होने के बाद जोरू के गुलाम सब बन ही जाते। रहता था उस
उसने कहा कि आज मार्केट जा रहे हैं, बरसात का मौसम था जैसा यहाँ है। तो पत्नी ने कहा कि तुम मार्केट जा ही रहे हो तो एक काम करना, छाता ले आना, खरीद लाना। पति ने कहा जो आज्ञा देवी जी। वो छाता लेने के लिए निकला तो पत्नी ने रोका, सुनो मार्केट में बहुत ठगने वाले रहते हैं, आधे रेट पर छाता लेकर के आना, एक रुपया ज्यादा नहीं देना, अगर वो 10 बोले तो 5 में लेके आना। पति भी बेचारा पत्नी की आज्ञाकारी बात को मानता था। पति मार्केट गया, दुकान वाले से पूछा कि छाता चाहिए। दुकानदार ने कहा कि ले लीजिए, सुबह का टाइम। बेचारे दुकानदार ने तरह तरह के रंग बिरंगे छाता दिखाए, उसने एक रंग काला चूस किया, चुना और कहा कि इस छाते का मूल्य बताओ। तो दुकानदार ने कहा कोई ज्यादा रुपया नहीं, 16 रुपया, सस्ता जमाना, पुराना जमाना। बोले 16 रुपये में आप ये छाता ले सकते हो। तो इससे पत्नी की बात याद आ गई, बोले मैं तो 8 रुपया ही दूंगा। दुकानदार ने कहा कि 8 तो बहुत कम होते हैं, इतने में बात नहीं बनेगी, एक काम करो, तुम्हारी ना हमारी, 14 रुपये दो। इसने कहा फिर तो हम 7 देंगे। दुकानदार का दिमाग चकराया, अरे भाई हम घट रहे हैं तो तुम्हें बढ़ना चाहिए, तुम भी घट रहे हो, पागल हो क्या, सुबह सुबह तुम हमारी बौनी खराब करने आ गए, चलो अब हटाओ, अब 2 रुपया का घाटा हम भले ही सह लेंगे, 12 रुपया से 1 रुपया कम नहीं लगेगा। बोला हम तो फिर 6 रुपया से 1 ज्यादा नहीं देंगे। अब तो दिमाग दुकानदार और परेशान, बोले यार तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई क्या, सुबह सुबह हमें बौनी करनी है, चलो 10 रुपया में ले लो। इसने कहा फिर तो हम 5 देंगे। दुकानदार नाराज हो गया, बोला एक काम कर, फ्री में क्यों नहीं ले जाता है। इसने दिमाग लगाते हुए बोला फ्री में है तो फिर तो 2 चाहिए। पूरा दिन मार्केट में घूमता रहा, छोटी सी वस्तु छाता नहीं ला पाया, पूछो क्यों? जोर से पूछो क्यों? अरे जरा जोर से तो पूछो क्यों? और जोर से पूछो क्यों? क्योंकि वो क्योंकि वो एक भाव पे नहीं टिका रहा। एक भाव पे टिकता तो ही छाता मिलता, जब छोटी सी वस्तु छाता एक भाव पे ना टिकने के कारण प्राप्त नहीं कर पाया तो हम लोग अनेक भाव पे परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। इसलिए एक ही उपाय है, पूछो क्या? एक भाव पे टिके, एक शरण पकड़े, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साधो। किसको साधो? और देवता चेतन धरई हनुमत से, हनुमान जी की शरण को पकड़ो, हनुमान जी की शरण को पकड़ोगे तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की, चमिंचा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम नाम भगवान की, दिव्य दरबार की, हरे हरे महादेव। इसीलिए हमारा प्रण है, पूछो क्या प्रण है? आपको चमत्कार दिखाकर हम अपना भक्त नहीं बनाना चाहते, आपकी बाएं पकड़कर बालाजी में रखकर हम तुम्हें बालाजी का साधक बनाना चाहते हैं। किसका साधक? तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का साधक बनना चाहता है? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, बोलो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी दरबारों में ना भटके। तुम चाहते हो कि तुम्हें जगह जगह ठोकरें ना खानी पड़े। हाँ या ना? हाँ। 2-3 काम सुनो। पहला काम, आज से ही प्रण लेकर हनुमान सहज हो जाओ। पहली बात तो कोई लोड ना लो, कोई चिंता ना करो,
सोचो मत कि हनुमान जी नाराज तो नहीं होंगे, हनुमान जी जैसा सरल देवता नहीं है। रोज बीज मंत्र के 3 मंत्र करो, हाथ जोड़ लो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र की मालाएं अपने घर पर इसी प्रकार से जोर जोर से प्रातः काल या रात्रि काल में आप करना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम आना प्रारंभ कर दो। एक दीपक शुद्ध घी का या सरसों के तेल का जलाना प्रारंभ कर दो और पेशी करना प्रारंभ कर दो। आने वाली पीढ़ियां और तुम जिंदगी में कभी दरबारों में नहीं भटकोगे। और हां, तुम्हें हमारे परचा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें चमत्कार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दरबारों में भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर धाम होगा। बोलो बागेश्वर धाम की। तो तुम चाहते हो कि तुम्हें भटकना ना पड़े, तो कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी का साधक बनना चाहता, तो जाओ हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। वार्ता होवे ना होवे, पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। तुम तो भैया हनुमान जी के साधक हो जाओ, हम दुनिया को चमत्कार दिखाने के लिए नहीं घूम रहे, हम तुम्हें जगाने के लिए घूम रहे हैं। अपने बालाजी भी किसी से कम नहीं है, इसलिए अब दरबारों में भटकने की आवश्यकता भटकोगे तो भटकते ही रहोगे, अटकोगे तो हनुमान जी की कृपा को पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आज शनिवार का दरबार है, हम भीतर जाकर प्रेतराज सरकार का दरबार प्रारंभ कर रहे हैं। हॉल में बहुत भूत ही भूत बैठे हैं, मतलब भूत नहीं बैठे, आदमन में भूत बैठे। तो हम दरबार प्रारंभ करेंगे और नई अर्जी का दरबार अभी चल रहा है। कल पुनः सुबह प्रातः काल 8 बजे के बाद इसी प्रांगण में पर्चा का दिव्य दरबार यहीं पर लगेगा। 23 तारीख तक अभी बैठे रहे, हम सामूहिक अर्जी लगा दें फिर उठना। 23 तारीख तक हम बागेश्वर धाम पर रोज दिव्य दरबार लगाएंगे। नकारात्मक तंत्र मंत्र बाधा के लोगों के लिए हमने एक दिन गुरुजी से प्रार्थना करके पूरा दिन निकाल लिया शनिवार का। अब तंत्र मंत्र से ग्रसित लोगों को अन्य दिनों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, शनिवार के दिन तंत्र मंत्र से ग्रसित लोगों की निवारण बागेश्वर धाम पर शनिवार को किया जाएगा। बोलो सीताराम। दूसरी बात, नवंबर में 21 तारीख से 30 तारीख तक हम हिंदुओं की एकता के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। हमने समझ लिया हवाई जहाज से और ट्रेन से धर्म नहीं बचना है। जब तक रोड पर गांव गांव में रहने वाले बिछड़े और पिछड़े लोगों को हम गले नहीं लगाएंगे, जात पात नहीं भारत से मिटाएंगे, तब तक भारत के हिंदू नहीं जाग पाएंगे। इसलिए हमने 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का संकल्प लिया। बड़े अमीर अमीर लोग तो धाम आ जाते कारों से, ट्रेनों से, बसों से, हवाई जहाजों से, गांव के लोग नहीं आ पाते जो मजदूरी करते हैं बेचारे। हमने प्रण लिया अब वो नहीं आ पाते तो क्या हुआ, हम उनके पास जाएंगे। तो 8
8 दिन पैदल यात्रा करके हिंदुओं को जगाने के लिए उसका नाम दिया है हिंदू एकता पद यात्रा। और उसके संकल्प है हमें जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। भारत को भव्य बनाने के लिए हम पद यात्रा में जावेंगे, तुम्हारी इच्छा हो तो चल पड़ियो हमारे संगे। तुम्हारे अंदर कीड़ा काटे अगर हिंदुत्व का तो अगर सो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने भूत भभूत भगवाओ। तुम्हें तो बाबाओं से मतलब है, चमत्कार से मतलब है। आजकल जो बाबा खूब मार्केट में चल रहो तो कभी ई बाबा लो, कभी ऊ बाबा लो, कभी ई बाबा लो, और हाथ नहीं मिलत तुम्हें हलुआ, फिर बाद में कहते हो भगवान होते नहीं ठटरी के बरे। भगवान बाबाओं के पास नहीं है, भगवान तो तुम्हारे अंदर हैं। उनको जानने के लिए दीपक की आवश्यकता है। कौन से दीपक की? ज्ञान के दीपक की आवश्यकता है। इसीलिए तुम्हें दरबारों में अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें तो ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फूट के निकले आवे। बड़े बदमाश लोग हो, पर भैया इससे कल्याण होने वाला नहीं है। हनुमान जी के साधक बनने से ही भला होगा, इसलिए आप सब हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो मूर्ख आदमी है, पागल आदमी है, अनपढ़ गवार आदमी है, गांव के देहाती घूस हैं भैया। हम कछु नहीं जाना, साधारण आदमी है ना। हमारे लो भगवान है ना, देवी देवता है ना, हलवा है। हम तो जो हैं जैसे दिख रहे वैसे जो है, आगे को लगो उपद्री है। इसे हमारी प्रार्थना है कि तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। फिर तुम पूछो किसके चक्कर में पड़े? जिनके चक्कर में हम पड़े तुम भी उनके चक्कर में पड़ो। किनके चक्कर में? एक बात से हम वचन देकर कह रहे, अगर तुमने बालाजी के चरणों को पकड़ लिया तो तुम्हें दुनिया में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पकड़ना मजबूती के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जुड़ भी जाओ फिर मुड़ भी जाओ फिर कहो कि हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे, ठटरी ना बढ़ाओ अपनी ना कटा। जुड़ गए तो जुड़ गए, मुड़ गए तो फिर मुड़ गए, फिर जुड़ना नहीं। और अगर जुड़ गए तो जुड़ गए। हमारे दादा गुरु जी कहते थे, बेटा एक बार जिसके चरणों में शीश रख दिया तो रख दिया, फिर उठाने का काम हमारा नहीं है। वो उठा दे तो वो उसकी बात अलग है। बोलो सीताराम। अगर तुम हनुमान जी से पक्के में जुड़ गए तो तुम्हें दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। हनुमान जी की साधना करो। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। रोज प्रातः काल या रात्रि में जब टाइम मिले, लाल आसन बिछाकर बागेश्वर बालाजी का चित्र रखकर इन तीन मंत्रों की मालाओं को करना जोर जोर से प्रारंभ करो। लाइट बंद करके दीपक जला लें, सरसों के तेल का या गाय के घी का दीपक जला लें। लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध के मनोकामना के लिए रख दें। यह नियम प्रारंभ कर दें। महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर दें। बिना पर्चा बने ही, बिना वार्ता हुए ही सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों काम सफल होने लगेगा। इसको कहते हैं खुद के दिए स्वयं बनो। कौन बनो? खुद के दिए स्वयं बनो। ऐसे बालाजी की तुम साधना करो, नियम करो। प्रेत बाधा है तो शनिवार की पेशी करो, बाकी पेशी मंगलवार को कर सकते हो। और हाँ, एक दो वचन और, हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। हम व्यस्त रहते हैं, अब क्या बताएं, हमारा भी बुढ़ापा आ गया ना, थक जाते हैं सुबह भी शाम भी, सुबह से लग करके रात हो जाती देर तक। अब आगे को लोगों शरीर भी हम आओ गुजिया बन गए। लेकिन जब तक प्राण है तब तक हम मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे।
हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं को जगाते रहेंगे। और हाँ, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारा उद्देश्य कि तुम्हें रोना ना पड़े, हमारा उद्देश्य कि तुम्हें दरबारों में भटकना ना पड़े, हमारा उद्देश्य कि तुम्हें हलीउल्लाह वालों के चक्रों में ना पड़ना पड़े, हमारा उद्देश्य कि तुम्हारी बहन और बेटियां चादर ना जाकर के चढ़ावे और सजदा ना करें, हमारा उद्देश्य कि लव जिहाद के चक्कर में पड़ करके तुम्हारे जीवन में ना कटने का दिन ना आवे, हमारा उद्देश्य कि तुम्हें भूत प्रीतों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, हमारा उद्देश्य है कि तुम्हें गुरुओं और बाबाओं के चक्करों में भी ना पड़ना पड़े, हमारा उद्देश्य कि अपने मन के राजा तुम स्वयं बन पाओ। हम तुम्हें अपने से भी नहीं जोड़ रहे, एक बात और याद रखना, हम तुमको अपने से भी जोड़ने की बात नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे कि हम जो बोल रहे उस पर तुम चल करके भर देख लो, तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट ना आ जाए तो कहना। इनके घर देर है, हाँ समय लगेगा, कोई भी चीज तत्क्षण नहीं होगी। और हाँ, बालाजी बड़े दयालु हैं, कहा उनका मूड बन जाए पर्चा भी बन जाएगा, वो भी कोई बड़ी बात हो, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। तो कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी का आश्रय साधक हो रहा, पक्का जोश में के होश में, दो चार दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए, पक्का 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 पक्का। तो जाओ, हम भी आज शनिवार को बालाजी के सम्मुख बैठकर वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। लहसुन प्याज मांस बंदरा बंद करके पेशी करना, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार। किसी ने हमको पूछा कि आपने 21 पेशी बता रखी, मान लो 21 पेशी हो गई फिर क्या, 2100 करो, 2100 हो जाए तो 21000 करो। 21 पेशी तो बुलाना एक बहाना है, असलियत में तुम्हारा तार बालाजी से जुड़वाना है। बोलो सीताराम, ये हो जाए, जय सीताराम, जोर से बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबारी की, नमः पार्वती पतये हर हर, भारत हिंदू राष्ट्र की। सब लोग मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें, फिर हमें अल्लाह ने आज बहुत भूत बैठे हैं, हमें उनकी बाधाओं के संकट निवारण के लिए बैठना पड़ेगा, एक एक करके हमें मिलना पड़ेगा सबको, समय लग जाएगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे संकट हरने वाले बालाजी, हे पीड़ा हरने वाले बालाजी, हे भंडार भरने वाले बालाजी, हमारी विनती स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो आप लोग, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः, ओ हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय
नमः ओ दादा गुरुवे नमः। मनी मन प्रणाम कर लो बालाजी को, सन्यासी बाबा को, दादा गुरुजी को। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। अब आप जो भी अर्जी लेकर के आए हो उसे एक बार मन ही मन बोलो, ओम ओम ओम। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो शीर्ष 7 बार, उसको भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगाओ, शरीर में आपको जहां पीड़ा है स्पर्श करा दीजिए। बड़े भाव से दोनों हाथों को उठा करके बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमुंडा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर हर महा। एक दो छोटी छोटी सूचनाएं, दरबार कल का प्रातः काल लगेगा, आज का प्रेत राज सरकार का दरबार लगेगा, केवल प्रेत बाधा के रोगी ही रुक पाए। दूसरी बात, जितनी भी हमारी बहनें राखी लेकर के आई हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, एक एक करके हमको दे दीजिएगा, हम सभी बहनों की राखी स्वीकार कर लेंगे। तीसरी बात, यहाँ सामने केवल प्रेत बाधा से ग्रसित रोगी आज रहेंगे इस पंडाल में, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण किसी को असुविधा ना हो। चौथी बात, गंभीर मरीजों को कृपा करके धाम पर ना लाएं और उनको रोकें भी ना, अकेली बहन बेटी भी धाम पर ना रोकें, क्योंकि भीड़ बहुत है, उतनी पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा नहीं हो पाएगी। हनुमान जी केवल सुरक्षा में हैं, उनकी ही केवल छत्र छाया है, बाकी साधारणतया लौकिक व्यवहार की सुरक्षा बहुत कमजोर है, इसलिए अकेली बहन बेटियों को धाम पर नहीं रुकना है। पांचवी बात, हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। अच्छा, तुमने अन्नपूर्णा देखी, कहाँ बनी बता? अच्छा, कैसी बनी? अब दिक्कत तो नहीं होती भंडारा में? पहले बहुत माथा पच्ची होती थी, नहीं, अब बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम पर बनी है, जहां 5 साल से भंडारा चल रहा है और हाईटेक अन्नपूर्णा है, तो प्रसाद पा ली हो, ठीक है। अच्छा, पदयात्रा में चलना है, पदयात्रा की तैयारी कर लो। दूसरी बात, अगर गया जी में पिंडदान के लिए आपको चलना हो तो हमें जाना है, अपना नाम कार्यालय में बतवा दियो, और क्या, और सब हो गया है, और सब हो गया है, भाव पूर्वक रहो। सीताराम, सबको आशीर्वाद, हनुमान जी जय जयकर। हाँ, हम राखी ले रहे, सबकी राखी ले, जितने लोग छत पे टंगे तुम्हारी जय हो, छत वालो गिर बनना पड़ियो, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए है बेटा, सड़े टमाटर से बिखर जाए हो, देखो तो जवान बूढ़े भी बैठे हो, पेट मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और छत पे टंगे हैं, जय हो तुम्हारी कक्का, तुम्हें नहीं आई शरम। अच्छा, बैंट ही ले आए तुम बेटा, गजब को चिल्लाए, चलो जो बैंट ले लो भैया, ले आओ ले। जय हो माता हरो, छत पे टंगी भगवती हरो। हाँ जी, अभी हमें प्रेत बाधा वालन की अर्जी लगाऊ ना माता, जो ले लियो बैग, सुबह से भी बेचारे उनका पीड़ा होगी, माने लई राखी। हाँ माता, भैया, अरे ओ बच्चो, बोले लियो माता जी, बहुत देर से परेशान हो गए, चीला राम राम, ठीक हो, अब हमें दरबार प्रारंभ करना है, प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लो दोनों, बाकी लोग पीछे पीछे हो जाओ जिन्हें प्रेत बाधा नहीं है, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, दोनों हाथ उठाओ,
बोलो बागेश्वर धाम की, वाले बाबा की समाधि, वाले बाबा की। नमः पार्वती पतये हारे हारे महा। आज का दरबार केवल प्रेत, आज का दरबार केवल प्रेत बाधा के रोगियों का लगता है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम दरबार को प्रारंभ करवाते हैं। राम Thank you.